हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हो तो वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ये जो है तो ये बहुत सारे लोगों के पास पहुँचता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो गोल्ड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 52,560 पे, लगभग 800 रुपीस के गेन के साथ हम 1.5% ऊपर बंद हुए हैं। तो जिस तरह से ये जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है वो दिन ब दिन जो है तो सीरियस होते जा रहा है और ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है। उसकी पॉसिबिलिटी लो है मगर उसको टाल नहीं सकते। अगर कुछ बाकी के देश इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में तो हमें बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी 10% है मगर वेरी हाई अभी, क्योंकि जो है तो अगर दूसरे देश उसमें कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो जाते हैं तो रशिया जो है तो और भी ज़्यादा जो है तो आक्रामक हो जाएगा और उसकी वजह से जो है तो दिक्कत आ सकती है। और वही दिक्कत जो है तो रिफ्लेक्ट हो रही है गोल्ड मार्केट में। और गोल्ड जो है तो प्रीवियस जो हाई था 56,000 का उसकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो हमारे जो दोनों टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं और यहाँ फिर से हम नीचे के लेवल पे फिर से सपोर्ट देख रहे हैं गोल्ड को। और यहाँ मंथली चार्ट पे एक बाय सिग्नल आ चुका है जो बहुत ही अच्छी बात है गोल्ड के इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब बाय सिग्नल आया था सुपर ट्रेंड पे तो वो आया था 31,000 पे, वहाँ से हम 29,000 तक रिट्रेस हुए थे और वहाँ से फिर से जो है तो हमने फ्रेश हाई लगाया था 56,000 का। उसी तरह से अगर ये सिग्नल प्ले आउट होता है तो यहाँ जो है तो हम लेवल देख सकते हैं गोल्ड में लॉन्गर टर्म में जो रहेगा 92,000 के अराउंड। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा गोल्ड पे टारगेट है 85,000 का, तो उसके अराउंड ही हमें उसके ऊपर ही ऑलरेडी टारगेट मिल रहे हैं तो 92,000 तक जा सकता है। यहाँ दिक्कत भरी एक ही बात है कि यहाँ वॉलेटिलिटी वेरी हाई रहेगी, तो इन्वेस्टर के लिए वो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। वॉलेटिलिटी और एक अपॉर्चुनिटी रहती है एक्युमुलेशन करने के लिए। और जहाँ जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया होगा उनके लिए सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ बुक कर लीजिए 56 के अराउंड और बाकी का रखिए 92,000 के टारगेट के लिए। आई मोस्टली बुक अराउंड 85,000 के अराउंड में जो है तो लगभग पूरा के पूरा जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है फिजिकल गोल्ड में या फिर ETF में उसको हम बुक करने की कोशिश करेंगे अगर वो लेवल मिलते हैं तो। और यहाँ जो है तो 56,000 पे जिन्होंने अभी लिया होगा मीडियम टर्म के लिए तो उनके लिए सलाह रहेगी कि 56,000 के अराउंड जो है तो आप कुछ ना कुछ बिल्कुल बुक कीजिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और नेक्स्ट टारगेट रखिए आपका लगभग 92,000 के अराउंड। तो ये रहा लॉन्गर टर्म व्यू। यहाँ अगर डीपर एक डिप्स आता है तो फिर से आपको बाइंग के मौके मिलेंगे, वो 47-48 के बीच में मिलेंगे। अगर उन लेवल पे आता है तो वह फिर से आपको एक्युमुलेशन शुरू करना चाहिए गोल्ड में। आपके टारगेट सेम रहेंगे 56,000 और उसके बाद में 90,000 के। तो ये दो टारगेट के लिए हम गोल्ड, और ये इन्वेस्टमेंट में, ये फ्यूचर में फ्यूचर ट्रेडर के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ ETF और जो फिजिकल गोल्ड लेते हैं 24 कैरेट कॉइन्स या बार उनके लिए सलाह है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि दोनों टारगेट अचीव करने के बाद हमने लास्ट वीक जो है तो अच्छा खासा रिट्रेस देखा था, पूरे गेंस जो है तो सबसाइड हुए थे मगर इस वीक फिर से जो है तो बुल्स आर बैक और उन्होंने लगभग गोल्ड को 4.5% ऊपर बंद किया है। लगभग हम 2400 रुपये गेन के साथ क्लोज कर रहे हैं इस वीक के लिए और आने वाले एक दो वीक भी हमें मुझे लगता है कि ऊपर ही जाएंगे और हम जो टारगेट है 55,800 to 56,000 का वो हम अचीव होते हुए देखेंगे। तो यहाँ आपका बाय ऑन डिप्स व्यू रहना चाहिए अगर आपको मीडियम टर्म ट्रेड लेना है तो, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के नीचे तो 50,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो जो भी डिप्स आता है उसमें एक्युमुलेट कीजिए थ्रू माइक्रो और मिनी और आपको स्टॉप लॉस रखना है 50,500 का और टारगेट रख सकते हैं आप 55,800 या फिर 56,000 के। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है, करंट लेवल से भी आपको 3,000 प्लस पॉइंट मिल सकते हैं गोल्ड में। या सिर्फ ये एक दिक्कत है कि स्टॉप लॉस आपको डीपर रखना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो वीकली चार्ट पे जो है तो ये लगभग पांचवा हफ्ता होगा कि गोल्ड जो है तो गेन के साथ बंद हो रहा है। अभी देखते हैं डेली चार्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी डेली चार्ट पे फ्रेश बाय सिग्नल आ चुका है गोल्ड पे और यहाँ जो है
तो इसमें आप एंटर कर सकते हो, मगर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में, शॉर्ट टर्म ट्रेड में या स्विंग ट्रेड कह लीजिए इसको, वो रहेगा 51,800 के नीचे। और आपको डिप्स पे बाय करना है, आपका जो टारगेट रहेगा पहला टारगेट रहेगा 53,600, जो करंट लेवल से लगभग 1,000 रुपीज़ अप है, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,600 का, जो करंट लेवल से लगभग 3,000 रुपीज़ अप है। तो 1,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़ के टारगेट आप रख सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 51,800 के नीचे, तो करंट लेवल से लगभग 600-700 रुपये, 700-800 रुपये नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1,000 रुपये के टारगेट और उसके बाद में 3,000 के टारगेट आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। या फिर आप जो है तो इसमें एक्यूमुलेशन भी कर सकते हो। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हम गोल्ड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे भी जा सकते हैं। अगर आपको सेफली बाय करना है तो आपको वेट करना चाहिए, जो 20 डेज का एवरेज है जो करंटली है 50,400 के अराउंड, तो 50,500 के अराउंड आपको एंटर करना चाहिए। 400 to 500 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस उस ट्रेड में रहेगा 500 पॉइंट का, और जो टारगेट बनेंगे सेम रहेंगे 53,600 और 55,600 के। तो अगर आपको एंटर करना है तो 50,500 का लेवल सबसे सेफ है, वहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आता है लगभग 1:6 to 1:11। अगर हम जो 53,600 का टारगेट पकड़ते हैं तो वो टारगेट रहेगा 1:6, और जो बड़ा टारगेट है वो रहेगा 1:11 का। तो उस लेवल पे आपको अच्छी खासी जो है तो कुशनिंग मिलती है, रिस्क कम रहती है और रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो टारगेट है ये अभी नहीं आए तो ये मीडियम टर्म में ज़रूर आएंगे, और ये गोल्ड जो है तो जिस तरह से ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये कंडीशन जो वॉर की सिचुएशन है बहुत सीरियस हो जाती है तो हम 90,000 और उसके ऊपर के भी लेवल देख सकते हैं, मगर वो लेवल सिर्फ इन्वेस्टर के लिए वैलिड रहेंगे ना कि ट्रेडर के लिए, क्योंकि ट्रेडर अगर उस लेवल के लिए जाना चाहता है तो उसको रोल ओवर करना पड़ेगा, और रोल ओवर की कॉस्ट जो है तो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके वजह से फ्यूचर में कभी भी रोल ओवर नहीं करनी चाहिए, फ्रेश ट्रेड लीजिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और एक्सपायरी की पहले जो है तो उसमें से निकल जाना है, क्योंकि जो प्रीमियम है वो पूरा गायब हो जाता है, और कभी कभी प्रीमियम जो है तो 500,000 पॉइंट का रहता है। तो 500,000 पॉइंट मतलब आपका जो है और ब्रोकरेज जो जो लगता है उसके वजह से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो। तो फ्यूचर में सिर्फ ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड बीज है या फिर फिजिकल गोल्ड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल्ड जो बुलियन ट्रेडर है और जो इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छा समय ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत सब अच्छा समय आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोल्ड की प्राइसेज जो है तो ऊपर ही जाती रहेगी, और हमें एक रिकॉर्ड हाई लेवल जो है तो गोल्ड में दिखाई दे सकते हैं। और जो मैंने कहा था मेरे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो, मेरा टारगेट 85,000 का था, तो जो कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है वो 92 का टारगेट आ रहा है, तो वो तो मेरे टारगेट के ऊपर ही, मेरे जो टारगेट है उसके ऊपर ही वो लेवल आ रहा है। तो 92-93,000 के जो लेवल है हमें लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो इन्वेस्टर के लिए सलाह रहेगी कि डिप्स पे एक्यूमुलेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगर मेरे प्रीमियम कॉल्स को ज्वाइन करना है तो आपको उसके लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।